चलिए आज हम क्लास सिक्स का दूसरा वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम सिक्स के लिए सीएचएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 20 मीटर एंड 10 मीटर रेस्पेक्टिवली। देखिए, आप जानते हैं रेक्टेंगल जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है। लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 10 मीटर। पेरीमीटर पूछा गया, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 × n + b, मतलब 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ये कितना हो जाएगा 2 × लेंथ कितना दिया हुआ है 20, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 10, और ये किसमें है मीटर में है। हो जाएगा 2 × 30 हो जाएगा मीटर, यानी कितना हो जाएगा 60 मीटर। यहाँ पे इंटू का सिंबल है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 60 मीटर, यानी ऑप्शन डी सही है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 6000 इन विच 20% ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज इज। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में टोटल पॉपुलेशन कह दिया है 6000 और उसमें से 20% क्या है बॉयज है, तो क्या करेंगे हम 6000 टोटल पॉपुलेशन लिख लेंगे, नंबर ऑफ बॉयज भी आपको कैलकुलेट, नंबर ऑफ बॉयज विल बी इक्वल टू 20% ऑफ 6000, दिस विल बी 20%, दैट इज 20/100, ऑफ विल बी कन्वर्टेड इनटू एंड दिस विल बी 6000, 00 कैंसिल, 2 6 12 10 20, दैट इज 1200 स्टूडेंट्स आर बॉयज। इस पॉपुलेशन में 1200 लोग जो है लड़के हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किरण गॉट 1 kg स्वीट इन 10 rupees एंड सोल्ड इट इन 12 rupees, हाउ मच मनी डज शी अर्न बाय सेलिंग 63 kg स्वीट्स। तो देखिए, पहले हम 1 kg स्वीट का निकाल लेते हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है। देखिए, किरण है, इन्होंने बॉट किया 1 kg स्वीट इन 10 rupees में, मतलब SCB कितना हो गया इनका 10 rupees, और बेचा कितना इसको 12 rupees में, तो SP कितना हो जाएगा 12 rupees। पर केजी इनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, पर केजी इनका जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी SP - CP, बिकॉज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट, दिस इज SP - CP, दिस विल बी 12 - 10, दैट इज 2 rupees। ये पर केजी इनका जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2 rupees का हो रहा है, और टोटल सेल कितना करना है 63 kg। देखिए, फॉर 63 kg प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 2 × 63 rupees, दैट विल बी 126 rupees, that means option C is correct, 126.00। after that question number, question next है, देखते हैं 17 17 को अगर हम digital clock में देखें तो इसका मतलब क्या होगा। देखिए, 17 17 हमने last video में बताया था, 17 17 अगर इस तरह से time दे देता है तो हमें क्या करना होता है, इसको real format जो होता है आपका digital clock का, उसमें देखने के लिए हम 12 में से minus 12 को माइनस कर देते हैं इसमें से, तो कितना आ जाएगा आपका 5। ओके, अब बात होती है AM या PM, तो देखिए 5 है, 17 की बात हो रही है, 17 का मतलब 12 AM से लेकर के बात करेंगे अगर हम, तो 12 + 5 PM, यानी कि ये PM तक जाएगा टोटल। जैसे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ से 12 AM से स्टार्ट करते हैं, पूरा रात के 12 बजे से शुरू होता है दिन अपना, और वहाँ से 12 PM तक जाएंगे, इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 आता है, लेकिन इस वाली क्लॉक में देखेंगे 24 आवर फॉर्मेट में कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, तो 17 को हम कितना लिख सकते हैं, 12 से जितना आगे जाएगा इसको प्लस 5 करेंगे तब 17 मिलेगा ना, दैट इज 5 + 2 मिनट जाएगा वो लिख देंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 19 इज, तो इसको आप नीट एंड ट्रायल मेथड से ऑप्शन से ही चेक करेंगे। पहला ऑप्शन देखिए आपका 969 है, दूसरा 998 है, तीसरा 988 है, और चौथा जो है 999 है। इन चारों ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन ऐसा होगा जो 19 से डिविजिबल होगा, आप चेक कर लीजिएगा सबको, मैं बता दे रहा हूँ, इसमें जो 988 लिखा हुआ है दिस विल बी डिविजिबल बाय 19 कम्प्लीटली, मतलब ये नंबर जो है 19 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 × 100 ml इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स, 10 × 100 ml इक्वल टू हाउ मैनी लीटर्स। तो कहेंगे कि हम पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
ये कितना हो जाएगा 1000 ml, और आप जानते हैं 1000 ml में कितना होता है लीटर, तो 1 लीटर होता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, सी 1.0 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The fencing of a square garden is 20 meters in length. मतलब एक square garden है जिसकी fencing कितनी है total, ये fencing का मतलब क्या होता है, पूरी boundary, ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है पूरा 20 दिया हुआ है, पूरी boundary का मतलब अगर इसकी side a रही होगी तो ये पूरा perimeter दिया हुआ है, perimeter कितना हो जाएगा 20, और perimeter कितना होता है square का 4 into a होता है, 4 a = 20, that means a equal to कितना हो जाएगा 20/4, ये 4 मल्टीप्लाइड होता है यहाँ पे, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर 5 meters हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 at 7 - 3 whole divided by 8, इसको देखिए 9 at 7 - 3 whole divided by 8, इसको हम डी मास से सॉल्व करेंगे, डी मास का मतलब अगर बोर्ड मास आप जानते हैं, बोर्ड मास सॉल्व मतलब देखिए बोर्ड मास जानते हैं आप, बोर्ड मास से मतलब क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट, अगर कहीं भी सॉल्व करने के लिए है और ब्रैकेट है तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे देखिए कितना आ जाएगा, 987 - 3 करेंगे हो जाएगा 984 / कितना हो जाएगा 8, कहने का मतलब था पहले ब्रैकेट में जो भी होगा वो हम सॉल्व कर लेंगे, बी फॉर ब्रैकेट, अब इसके बाद केवल डिवाइड बच रहा है तो अब डिवाइड कर लेते हैं, जब 984 को 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 बन जाए तो जाएगा 8 2 16 8 3 24, आंसर कितना आ जाएगा आपका 123। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैली द मार्क्स ऑफ द फिगर विद द नंबर, तो जो फिगर अपने पास दिख रहा है उसमें देखते हैं कितने नंबर हैं, कितनी साइड्स हैं उसमें, तो जिस तरह से फिगर्स बने हुए हैं, एक बड़ा है फिर छोटा है फिर उससे भी छोटा है, इस तरह से करके बने हुए फिगर, 3 ऐसे बने हैं और एक ऐसे बना हुआ है, तो टैली मार्क्स करना है मतलब क्या करना है, इसमें हमें नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी है, क्योंकि ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन है 18 15 14 17, तो बताना है कि इन सारे फिगर्स में टोटल मिला करके कितनी लाइंस बनी हुई है। देखिए फर्स्ट में क्या है 1 2 3 4 5, सेकंड में क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी कितना है 5, टोटल कितना हो गया 15, और ये 3 मिल जाएगा इसमें कितना हो जाएगा 18, मतलब ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ -10x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100x द रिमाइंडर इज, तो रिमाइंडर फाइंड करना है, ओके इफ -10x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100x, तो आप इसको पहले लिख लीजिए -10x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100x, अगर ऐसे लिखा हो तो हम जानते हैं क्या करना है हमें 100x लिख लेंगे हम, और इसलिए फ्रॉम के बाद जो होता है उसको पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, और किसको सब्ट्रैक्ट करना है तो -10x को सब्ट्रैक्ट करना है, ओके इसके बाद ये कितना हो जाएगा देखिए 100x माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 10x हो जाएगा, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 110x, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 mm is equal to how many meters? तो 11 mm में कितने meters होंगे? हम जानते हैं कि 1 meter equal to how many millimeters? 1000 mm होते हैं? Now just take 1 mm equal to how many meters? 1/1000 millimeters, 1000 meters. Okay? अगर हम देखें 11 mm में तो क्या हो जाएगा? देखिए 1 mm में आपका 1/1000 meter था। तो 11 mm में क्या हो जाएगा 11/1000 meter, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 11 mm इक्वल टू 0.011 meter, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, मतलब 11 को 1000 डिवाइड करने पर 0.11 meter आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द रेट ऑफ ₹10 per kg व्हाट इज कॉस्ट ऑफ 3.5 kg वेजिटेबल, एट द रेट ऑफ ₹10 per kg व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3.5 kg वेजिटेबल, देखिए कॉस्ट ऑफ 1 kg वेजिटेबल, कॉस्ट ऑफ 1 kg वेजिटेबल इज ₹10, हमसे पूछा कितना गया है
3.5 kg इक्वल टू व्हाट? अगर 1 केजी का 10 रुपीज है तो 3.5 का कितना होगा? 3.5 × 10 हो जाएगा, बिकॉज 1 से अगर हमें ज्यादा भी जाना होता है हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 9, सॉरी 3 × 2 = 6, 6 × 7, 7/2 × 10, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को 5 टाइम्स में, 5 × 7 = 35, और ये किस में आएगा, रुपीज में आएगा। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ 3.5 kg वेजिटेबल इज 35 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर इन द वर्ड। अब वर्ड जो लिखा है वो क्या है, सुमन लिखा हुआ है, SUMAN, देख लीजिए एस कैसे लिखा हुआ है इस तरह से, और यू कैसे लिखा हुआ है इस तरह से, और फिर ये एम लिखा हुआ है, फिर ये एन ए लिखा हुआ है, और ये एन लिखा हुआ है, सुमन। इसमें कितने राइट एंगल्स है, राइट एंगल्स का मतलब समझते हैं 90 डिग्री, कुछ इस तरह की बात बनेगी। देख लीजिए ऐसी चीज कहाँ मिल रही है आपको, इस तरह का फिगर आपको कहाँ पे मिल रहा है, काउंट कर लेते। देखिए एक तो आपको यहाँ पे मिल रहा है 1, दूसरा आपको यहाँ पे मिल रहा है 2, तीसरा आपको यहाँ पे मिल रहा है 3, और चौथा आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद देखिए इसमें कुछ मिल रहा है क्या इस तरह का, अगर इसमें देखें तो 1 आपको यहाँ मिल रहा है और ये यहाँ मिल रहा है, मतलब 4 मिल चुका था, 5th and 6th। इसके बाद इसमें देखिए इसमें कहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। इसमें कहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। इसमें कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल्स विल बी इक्वल टू 6। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका 6 ऑप्शन, यानी बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग। चार ऑप्शन है आपके पास, तो चारों ऑप्शन को पहले हम लिख लेते हैं। लार्जेस्ट फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग, देख लीजिए 3/4, 1/2, 4/5, 1/3। देखिए लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालना हो या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना हो, इन्हें हमारे पास एक छोटा सा तरीका है। एक्चुअली आप चाहें तो एलसीएम मेथड से कर सकते हैं, बट दैट कैन बी लेंथी। आप क्या करिए, यहाँ पे एक एक जीरो बढ़ा लीजिए सब में, एक एक जीरो सब में बढ़ा लीजिए और जस्ट डिवाइड कर लीजिए, देखिए कितना आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 38 को, 7 टाइम्स में जाएगा, अभी होल्ड करिए। 2 से 10 को डिवाइड करा कितना आया, 5 आया। इसके बाद 4 से 5 को डिवाइड किया, 40 को 5 से डिवाइड किया कितना आया, 8 आया। और अगर 10 को 3 से डिवाइड करिए कितना आएगा, पहले 3 आएगा, 3 point something आएगा, ठीक है। यहाँ 7 point something आएगा, देख लेते हैं 7, 5, 8 and 3 में कौन सा बड़ा है। That means which one is the largest among 7, 5, 8 and 3? This is 8. तो 8 से related fraction कौन सा था अपना? 4/5. 0 तो हमने लगाया था. That means 4/5 is largest among the options. That will be option C. इसके बाद देखिए next question. A person bought 1.25 meter of cloth for a pant at the rate of ₹200 per meter. ठीक है, तो देखिए 1 by 1 सबको नोट करके चले जाएंगे और सोल्यूशन आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, अ पर्सन बॉट ₹1.25 ऑफ क्लॉथ फॉर अ पैंट एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर, यानी 1.25 क्लॉथ खरीदा है कितने में, ₹200 पर मीटर के हिसाब से। तो 1.25 मीटर का कितना हो जाएगा, 1.25 × 200, इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए आपका ये कितना आ जाएगा, 0 से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 125 हो जाएगा कितना हो जाएगा, 250 रुपीज। मतलब कि पैंट पर 1.25 मीटर पैंट के कपड़े पर इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, 250 रुपीज। इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है क्वेश्चन, एंड 2.25 मीटर्स फॉर द शर्ट एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मीटर। तो 2.25 मीटर शर्ट का 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, 100 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 225 रुपीज। इसके बाद देखिए ये किसके लिए था, 2.25 मीटर ये शर्ट के लिए, और ये किसके लिए था, पैंट के लिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही गेव 500 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर टू गेट बैक द रेस्ट रुपीज। ओके, अगर वो 500 रुपीज देता है, 500 रुपीज की नोट देता है, आजकल तो आप जानते हैं 500 मार्केट में चल रहा है, नया वाला मस्त वाला, ठीक है। वो 500 अगर मार्केट में देता है शॉपकीपर को, तो शॉपकीपर उससे कितना रिटर्न करेगा, देखिए पहले तो देख ले तो उन्होंने परचेज कितने की करी है, जो परचेज करने गए थे उन्होंने परचेज कितने की करी है, 250 की या 225 की। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी इनकी, 250 + 225 कितना हो जाएगा, ये 400
75. अगर 475 की मार्केटिंग हो गई है तो 500 में से कितना बच रहा है अभी? टोटल 25 रुपीज बच रहे हैं. ओके, तो अब कस्टमर को कितना रिटर्न किया जाएगा शॉपकीपर के द्वारा? 25 रुपीज. दैट मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 10 मीटर. देखिए, रेडियस ऑफ अ सर्कल और डायमीटर ऑफ अ सर्कल दोनों में एक रिलेशन होता है, दैट इज नोन बाय यू वेरी प्रॉपरली, दैट इज डी इक्वल्स टू 2R. डी इक्वल्स टू 2R. डी डिनोट्स द डायमीटर एंड आर डिनोट्स द रेडियस. मतलब रेडियस जो होती है त्रिज्या, वो डायमीटर यानी व्यास की दोगुनी होती है, सॉरी आधी होती है, व्यास की आधी होती है, और व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है. दैट मीन्स रेडियस इज डबल ऑफ द डायमीटर. डी कितना हो जाएगा? देखिए 10 मीटर दिया हुआ है आपका डायमीटर, तो अगर डायमीटर 10 है, दैट विल बी इक्वल टू 2R. तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 divided by 2, दैट इज R इक्वल टू 5 meter. ओके, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल टू एंगल्स आर 90 degree एंड 30 degree, देन द थर्ड एंगल विल बी. तो ये एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स पे लगेगा. देखिए कैसे लगाएंगे, तीन एंगल्स हैं, मान लेते हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की बात हो रही है. तीनों का सम कितना होता है? 180 degree. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. ओके, इसको सॉल्व करेंगे. देखिए ए की वैल्यू दी गई, दो एंगल दिए गए हैं, फर्स्ट एंगल इज 90 एंड सेकेंड इज 30 प्लस एंगल सी इज टू बी फाउंड, दिस विल बी 180 degree एज यूजुअल. नाउ एंगल सी एंड दिस विल बी 120. 90 प्लस 30 इक्वल्स टू 120 is equal to 180. Angle C will be equal to 180 minus 120, that is 60 degree. That means option आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? Option B correct हो जाएगा. Next question क्या कह रहा है? Find the LCM of 5, 10, 15 and 20. Find the LCM of 5, 10, 15 and 20. देखिए LCM निकालने के लिए आपको basic method पता है, divide method. 5, 10, 15 and 20. इसका आपको चाहिए क्या? एलसीएम. तो पहले आप टू से डिवाइड करोगे, ये 5, ये भी 5, ये 15 और ये कितना हो जाएगा? 10. फिर टू से डिवाइड किया आपने, ये 5, ये 5, ये 15 और ये कितना हो जाएगा? 5. अभी देखिए 15 है यहाँ पे, 3 से भी डिविजिबल हो गई है, 5, ये 5, ये भी 5 और ये कितना हो जाएगा? 5. इसके बाद लास्ट में किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, ये सारा 1, 1, 1 हो जाएगा. That means LCM कितना हो जाएगा ये? LCM हो जाएगा आपका 2 into 2 into 3 into 5. That means 5 3 जा 50, 50 2 जा 30, 30 2 जा 60. तो LCM कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा. That means option D is correct. Next है आपका divide करना है एक fraction को दूसरे fraction से. तो देख लेते हैं इसको. Divide करना हमें 1 whole 2 upon 5 को किससे? 1 whole 13 upon 15 से. 1 whole 13 upon 15 से, ठीक है. तो यहाँ पे डिवाइड में क्या होता है, अगर बाई लिखा होगा तो बाई को क्या कर लेंगे? डिवाइड का सिंबल बना लेंगे. ओके, देखिए पहले इसको हम होल फ्रैक्शन से, मतलब मिक्स फ्रैक्शन से, प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है. देखिए 5 1 5 5 2 7 7 upon 5, ये कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर या इम्प्रॉपर? तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. ये कितना हो जाएगा? 15 + 15 + 13 28 divided by 15. अब इसको क्या करेंगे हम? आप जानते हैं अगर ऐसे डिवाइड करना है हमें, तो हम 7/5 लिखेंगे और डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करके 28/15 को पलट लेंगे. दिस विल बी 15/28. ओके, देखिए नेक्स्ट क्या होगा अपना. अब ये मल्टीप्लाई में है, क्रॉस क्रॉस में हम कट कर लेते हैं, या आप और टॉप मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी कट कर लेते हैं ऊपर नीचे, या फिर क्रॉस क्रॉस में हम कट कर लेंगे. ये देखिए कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28 एंड 5 3 जा 15. तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपका? 3/4. मतलब डिवाइड किया आपने 1 whole 2/5 को 1 whole 13/15 से, कितना आ रहा है आपका आंसर? 3/4. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का. A man travels 500 meters in 30 seconds. Then find his speed in kilometer per hour. देखिए 5 दिया होगा यहाँ पे, 500 meters दिया होगा, और time कितना लग रहा है यहाँ पे? 30 seconds. Okay? अगर हमें speed calculate करना है, तो speed का formula हम जानते हैं, speed equal to what? Distance upon time.
that will be 500 meters upon 30 seconds. अभी ये meter per second में है, we have to convert into kilometer per hour because answer is as required. Okay? करेंगे क्या हम? आप जानते हैं meter per second से kilometer per hour में convert करना हो, तो या तो फिर आप इसको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर ले और सेकंड को आवर में कन्वर्ट कर ले, या तो फिर एक डायरेक्ट तरीका हमने बताया था, क्या कर लेंगे हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए. दिस इज द शॉर्टकट. ओके, दिस विल बी नाउ 100, जीरो विल बी कैंसिल बाय दिस जीरो एंड 3 6 18 6 10 60 किलोमीटर पर आवर. Then the speed will be kilometer per hour in the given unit. तो option कितना कौन सा हो जाएगा इसमें आपका? Option A correct हो जाएगा. इसी के साथ ये video complete हुई. Next video में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.